जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक राज्यसभा से पारित। पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, विधेयक से खत्म होगा न्यास का राजनीतिकरण। न्यास में शहीदों के परिवार वालों को शामिल किए जाने के सुझाव का किया स्वागत। लोकसभा से 2 अगस्त को विधेयक को मिली थी मंजूरी। राज्यसभा में सरोगेसी विनियमन विधेयक 2019 पर हुई चर्चा। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, विधेयक में जरूरतमंद विवाहित जोड़ों को छोड़कर कारोबारी सरोगेसी पर पूरी तरह रोक लगाने का प्रावधान। विधेयक में सरोगेसी मामलों की निगरानी के लिए बोर्ड बनाने का भी प्रस्ताव। वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की स्थिति पर लोकसभा में जताई गई गहरी चिंता। नियम 193 के तहत चर्चा में बीजेपी, कांग्रेस, बीजेडी और टीएमसी समेत विभिन्न दलों के सदस्यों ने वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों पर रखे विचार। स्थायी समिति का गठन कर मामले पर नजर रखने की उठी मांग। पिछले 6 महीने में 13,000 विदेशियों समेत कुल 35,00,000 पर्यटकों ने की जम्मू कश्मीर की यात्रा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में दी जानकारी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी की कही बात। और भारत दौरे पर 29 नवंबर को आएंगे श्रीलंका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोटाबाया राजपक्षे को राष्ट्रपति चुनाव में जीत की बधाई के साथ भारत आने का दिया था निमंत्रण।